अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं घर के मसाले से चिकन चने। उसके लिए मुझे चाहिए ये 4 से 5 जवे मेरे पास लहसुन है, थोड़ी सी अदरक है क्रश, थोड़ा सा ज़ीरा 1 चम्मच और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्रश चिली जो कि मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून जो है इसमें अदरक पाउडर हल्दी पाउडर है और ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर है। और चिकन जो है मेरा घर का मतलब पहले से मेरे पास रखा हुआ था और चने चूँकि मैंने फ्रीज़र में अक्सर करके उबाल के डाल देती हूँ तो मेरे कई ज़रूरत में काम आ जाते हैं, इसलिए हम ये बनाएंगे। आगे का हम आपको प्रोसीजर बताते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 1/2 कप ऑयल है, इसे मैंने गर्म की है और 1 मीडियम प्याज मैंने इसमें गोल्डन करने के लिए डाल दी है। अब हम इसे हल्का सा सुनहरा करेंगे। और फिर इसमें थोड़ी देर के बाद हम इसे गोल्डन करके इसमें चिकन शामिल करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा ही देखिए, अभी प्याज हल्का सा सुनहरा हो गया, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन है। अगर आप लोग इस तरह से चनों को उबाल के फ्रीज कर दिया करें ना तो ये आपको काफ़ी जल्दी आपका काम हो जाया करेगा। इसे थोड़ा सा हमने कलर बदलने तक पकाना है और उसके बाद मसाले शामिल करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करते हैं ये हमारे पास जीरा धनिया पाउडर, ये हमारे पास हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टीस्पून और ये सॉल्ट भी 1/2 टेबल स्पून। अब हम ये शामिल करके इसे थोड़ी देर भूनेंगे। ये हम शामिल कर रहे हैं अदरक और लहसुन, ये इसके अंदर ही गल जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए परेशान ना हो कि जी ये बकेगा नहीं। एक टमाटर भी शामिल की है इसके अंदर, इसे थोड़ा सा भूनते हैं अभी। अच्छा देखिए, इस तरह मैंने हंडिया को भून लिया, इस तरह चिकन को अच्छे तरीके से इसका ऑयल निकल आया, देखिए लहसुन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। अब हम इस मौके पे शामिल करेंगे उबले हुए 2 छोटे छोटे आलू, क्यूब में काट लें या इस तरह आप तोड़ लें हल्का सा। इनके साथ ये कि ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इतने ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं। अब हम इसी तरह फ्रीज़र के ये चने शामिल करेंगे, इनमें आइस अभी भी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम शामिल करें इसमें पानी, पानी लगा के ना इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे और ये तकरीबन 20 मिनट में ये सारा खाना बन जाएगा। अच्छा, इस तरह से देखिए ये तकरीबन हमारे यहाँ पे ये चने तैयार हैं। इसमें ग्रेवी उसने छोड़ दिए कि हम समटाइम 2-3 दफ़ा गर्म करते हैं ना तो एकदम ड्राई हो जाती है, तो इस तरह बच्चे रोटी वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसे अब डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, मेरे घर के मसाले से बने हुए चिकन चने तैयार हैं। अब इसे हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मैसर ना हो घर में, आपको मसाला बाहर से मंगवाना पड़े। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है आलूओं की वजह से। दूसरा ये है कि आप इस तरह चने उबाल के रख दिया करें, वाइट वाले भी ब्लैक वाले भी, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफिज़।